हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये झालमुरी देख करके आप समझ गए होंगे हम कहाँ हैं। तो हम आए छंगा बाबा से मिलने के लिए। बाबा ने मूंगफली वगैरह भी रख ली है। एक्चुअली मैं रोज़ यहाँ से निकलता हूँ ऑफिस से जाते टाइम, बाबा आजकल दिख नहीं रहे थे। और ये देखो किसी ने क्या करामात करी है, बाबा ने बोर्ड हटाया अपने यहाँ लगाया और किसी ने माला चढ़ा दी उसके ऊपर। तो थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव दिमाग में आ रहा था, हमने कहा एक बार फिर से बाबा से मिल करके आया जाए, क्योंकि मैं रेगुलर जब भी निकलता था बाबा मिल नहीं रहे थे, मिल के आया जाए बाबा से। तो हम बाबा से मिले, अब बाबा माला हटा रहे हैं। सही है बाबा, हटा दो, वो गलत फहमी हो रही थी इससे। बाबा ने बोर्ड चेंज कर दिया अपना, क्योंकि वो कहना है कि उससे साइड नहीं दिखती थी और एक्सीडेंट होने का डर था, इसलिए बोर्ड ही हटा दिया। बहुत बढ़िया गया। तो बाबा से बात करते हैं, बाबा ने माला हटा दी। नहीं, हिम्मत है मेरे अंदर बिल्कुल। और देखो इसका मेरा पूरा ही बेकार है, ये हिस्सा जो मेरा पूरा ही बेकार है। हाँ, हिम्मत है। एक छोटी सी चीज बताऊं सबको, बाबा और मेरी तीन खंड उसकी उम्र 32 साल 64 साल, उसके बाद आपकी 96 जाएगी नहीं जाएगी, 64 के बाद मतलब मेरी अच्छी नॉलेज है, 64 के बाद आप साल दो साल तीन साल बाद इवन दाओ 90 भी जा सकते हैं। तीन खंड होते हैं 32, 64, 96। और जिस दिन आपके पांव चलने बंद हो गए उस दिन समझो काल, उसी दिन जिस दिन आपने खटिया पकड़ ली समझो कि मौत उसी दिन है, चाहे 4 साल बाद हो या 3 साल बाद। कोशिश करो, मैं डेली जीना चढ़ता हूँ उतरता, और कोई मुझे कहता नहीं 64 साल का। बिल्कुल सही बात है, लगता ही नहीं। अभी कल ही मैंने फ्रेंच कट रखी, तो थैंक यू बॉस। लोट बदल के दिन होते हैं साथ, यही में जीवन होता है, इसी में होता है मरण। अच्छा, ये लोगों की भूल है भाई, शाम तो साथ तो बताते हैं भाई, दिन तो 6 ही है, सातवीं तो लड़की है, जभी तो कि संसार बड़ा है भाई। बृहस्पत कौन है भाई, लेडीज है, है? तो भाई ये सारे जोड़ चाड़ के दिन तो 6 बनते हैं भाई, सातवीं वो औरत है जभी संसार बड़ा है भाई। ये तो सारे में मर्द आ गए भाई, बिगड़ औरत के कुछ है नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए भैया इसी में मरना होता है, इसी में जीना होता है। और ये ढाई सैकड़ा कहते नहीं है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार मानोगे भाई, ये कहते 70 साल का हो गया, ये 72 का हो गया, कहते 90 का हो गया, कि 84 में पहुंच गया। वो ऐसे भैया अट्टा पंजा लगा के, हाँ इतनी बात जरूर है, उनके उसमें कोई दखल दे चलेगी किसी की नहीं। यहाँ की अदालत को कागज फेंक के बरी करती है, हैं? और उसकी अदालत को भाई कुछ नहीं चलता है वहाँ सिवा उनके आगे। सही बात है। हाँ, अपना नेक नियत मंजिल आसान रखो। बाबा की यही बातें सुनने के लिए हम बार बार बाबा के पास आते रहते हैं। हाँ। मजा आता है बाबा की बातें सुनने में। ठीक है, अच्छा भाई, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया। भैया देखो सब ये कोई किसी बहाने पे कमा रहा है, कोई किसी बहाने पे कमा रहा है। मैं तो साफ कहता हूँ, अब मैं हूँ भाई, मैं अपने इस बहाने पे कमा रहा हूँ। ये बाबा देखो, हम 5-6 बार इधर आए, मतलब मैं मॉर्निंग में जब भी आता था या रात में जाता था, आप दिखे ही नहीं। हाँ। और यहाँ पर माला और चढ़ा रखी थी किसी ने। हाँ। तो मेरे को थोड़ा सा लगा, मैं आपको फोन करने वाला था, मैंने कहा फोन आपका पता नहीं किसके पास होगा। हाँ। तो आज छुट्टी मिली तो मैंने कहा चलो पहले बाबा से मिल के आ जाए, हाल खबर ले आई जाए और थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी जाए। अच्छा, देखा लोग थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं अभी तक, और लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना पहले था, बट अभी कर रहे हैं थोड़े बहुत। अब तो रुपया में एक नहीं, झूठ नहीं बोलता है सब। ठीक है बाबा, देखो मेहनत कर रहे हो आप, मेहनत का मिल रहा है ना, ऐसे मिलते रहना चाहिए। नहीं छोड़ूंगा सामने, चाहे किसी को बुरी लगे और चाहे भली लगे। वो कौन कौन सी, एक तो अपना जीवन का साधन है कि मेरा घूमने फिरने का, एक गाय की सेवा। इस बात को मैं हर किसी से कह देता हूँ भैया, देखो मैं गाय की सेवा नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। और घूमने फिरने से याद आया, मैंने बाबा को चेयर दी थी
बाबा कह रहे हैं कि चेयर रखी हुई है और मैं उस पर बैठूंगा नहीं क्योंकि मेरे को घूमने की आदत है, उस पर बैठ जाऊंगा तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा। ये भी देखो इसी से कुछ सीखने को ही मिलता है, हम लोग इसी एज में अभी इतनी कम एज है और थोड़ा सा चल लेते हैं तो हाँफने लग जाते हैं, लेकिन बाबा को देखो इतनी दूर से यहाँ तक रेडी खींच के लाते हैं और उसके बाद काम करते हैं इतनी मेहनत से, और देखो अभी भी यहीं पे बैठे हुए हैं। और देखो ये झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, हर आदमी से कह देता हूँ, ए देखो अब तो ये है खाली, इस समय ये है खाली, शाम के टाइम में जब मैं घास खुला ले जाता हूँ जब भरती है इसका जरा वजन उठा कर ऐसे कर भारी है, काफ़ी भारी है, लोहे की बनी है तो इतनी भारी चीज़ खींचने में इतनी दूर से इस उम्र में बहुत बड़ी बात है। तो मैं बार बार ऐसे ही बाबा के पास आना जाना करते रहता हूँ क्योंकि मेरे को इनकी बातें सुनने में अच्छा लगता है। और दूसरी बात यार, अगर आप अपने आसपास में देखो कोई है हेल्प करने वाला, उनकी हेल्प करते रहो, ये नहीं कि एक दिन करी और मैंने वीडियो बना दी। कई बार मैं ऐसे भी आया हूँ कि मैंने वीडियो नहीं बनाई है और बाबा से मिलने के लिए आ गया। मेरे को कल मैसेज आया था, कमेंट आए थे कि आप दोबारा से बाबा के पास जाओ उनकी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसलिए दोबारा से आया हूँ। बाकी मैं ऐसे बाबा के पास आता रहता हूँ बट वीडियो बनाता नहीं। तो बाबा मिलके अच्छा लगा, आप थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा। मैं हेल्प आज वीडियो में दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि फिर लोग कहेंगे शो ऑफ कर रहा है। लास्ट में मैं लास्ट वाली वीडियो जो मैंने बाबा की हेल्प करी थी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको देखना है तो वो देख लेना आप, है ना। लेकिन थोड़ी बहुत आज भी हेल्प करके जाऊँगा जितना भी हो सकता है मेरे से, और आप भी अपने आसपास जितने भी लोग हैं जिनकी हेल्प की ज़रूरत है उनकी हेल्प करो। बाबा आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, मिलके बहुत अच्छा लगे बाबा। और एक बात जरूर है, आपकी विजय होगी और विजय करके आओगे, ज़्यादा कोई होगी नहीं। और दूसरी बात भाई, जब तुम्हारा काम बन जाए आप यहाँ में लोग नहीं आओगे, सुन भैया मैं देने लेने का भूखा नहीं हूँ भाई, उस समय तुम जीत करके आओ तो मुझसे मिलते जाना। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, देखो जीत के आए बहुत बड़े बन जाएं लेकिन आपसे तो मिलते रहेंगे। नहीं मेरी आंखों की यही आवाज है, आप जीत के आओगे। बाबा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ना आपकी जब पहली बार हेल्प करी है हाँ। तो मैंने किसी की इतनी हेल्प करी होगी, वरना हाँ। मैं हमेशा अपने में रहने वाला बंदा था हाँ। और आपकी हेल्प करने के बाद मैंने कितने सारे लोगों की हेल्प करी हाँ। तो वो ये है ना कि एक बार बंदा खुल जाता है हाँ। तो उसके बाद खुल ही जाता है, तो आपको थोड़ा ना बाबा ऐसे भूल सकते हम तो वो आपका आशीर्वाद है, बस बना रहे। बाबा से मिलने के लिए आता हूँ मैं, इन आंटी जी के पास जरूर आता हूँ चाय पीने के लिए, आंटी जी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। आंटी जी इधर देखो एक बार कैमरे में हाँ, और बाबा और मैं चाय पी रहे हैं और बाबा की थोड़ी सी हेल्प करेंगे। आंटी जी के पास भी आओ, ये बाबा के जस्ट पीछे आंटी जी हैं, उनके पास भी आओ, चाय वाय पियो, बढ़िया चाय बनाती हैं, आराम से बैठो इन्जॉय करो और आंटी की बातें सुनो, बहुत अच्छी बातें करती हैं आंटी जी। घूमने के लिए निकल गए जैसा बाबा बोल रहे थे।